डीएनएच पुलिस ने हाल ही में दो बड़े केस सॉल्व किए हैं, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी के रिगार्डिंग रखी गई है। जो पहला केस है ये सीआर नंबर 79/21, ये अंडर सेक्शन 307/395/34 आईपीसी सरवाका पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किया गया था 11 अप्रैल को। इसमें ये हुआ था कि जो विक्टिम है श्री रंजीत कन्हैयालाल यादव, ये पीआर पैकेजिंग कंपनी नरोली में सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम करते थे, और रात में करीब 4 से 5 बजे के बीच 5 लोगों ने इन पर अटैक किया और इससे 5,000 रुपये ड्रॉप कर दिए। इसमें ये काफ़ी घायल हो गए थे और 20 दिन तक कम से कम हॉस्पिटल में एडमिट थे। ये केस काफ़ी ब्लाइंड था क्योंकि ना तो वहाँ पे कोई सीसीटीवी फुटेज था, ना ही कैमरा था, ना ही कोई ऐसी ट्रेस थी जिससे मजदूर का डायरेक्ट पहुँच सके। इसमें मल्टीपल टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई अंडर सुपरविजन ऑफ एसपी डीएनएच श्री हरीश्वर स्वामी सर, जिसमें एक टीम क्राइम ब्रांच की थी, पीए मनोज पटेल साहब थी, एक टीम पीएसआई अनिल टी के जो केस है जो सिलवासा उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, और एक जो केस के आईओ हैं जिग्नेश पटेल पीएसआई उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। इस केस में हमने 5 लोगों को अरेस्ट किया है और ये 5 लोगों ने अपना कन्फेशन दिया है कि ये इस क्राइम में इन्वॉल्व थे, और बेसिकली ये कंपनी में कॉपर चोरी करने के लिए गए थे, और क्योंकि वहाँ पे उनको वो सक्सेस नहीं हो पाया और सिक्योरिटी गार्ड ने अपोज किया, इसलिए उन्होंने उसके साथ मारपीट करी और इतना ग्रीवियसली मारा कि 20 दिन तक वो अस्पताल में एडमिट रहा। तो उन लोगों के नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ जो 5 अक्यूज पर्सन इसमें है। पहले हैं सुरेश बाबू सालकर, ये उमर कोई के रहने वाले, 41 ईयर्स एज है, 7th स्टैंडर्ड तक पढ़े हुए हैं और इनकी 4 FIR हो रखी है इन पर प्रीवियसली। दूसरे हैं नितिन इलिया सिडवा, ये 24 साल के हैं, ये अंकलास बर्फपाड़ा के रहने वाले हैं और वैसे इलिटरेट हैं, और इनके अगेंस्ट प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट 2 है। तीसरे हैं अश्विन लखमा वदिया, 30 साल इनकी एज है, ये तलाशरी के रहने वाले हैं और 3rd स्टैंडर्ड तक पढ़े हुए, इनके अगेंस्ट 2 प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट हैं। जो चौथे हैं विनोद लाक्षी सरकार, ये उमरकुई के रहने वाले हैं, 7th स्टैंडर्ड तक पढ़े हुए हैं, इनके अगेंस्ट 1 प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। और जो पाँचवें हैं जयंती रूपजी खुल्लक, 25 साल इनकी एज है और ये भी लिटरेट है, इनके अगेंस्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये 5 लोगों को पूरी डीएनएच पुलिस की टीम ने लग के ऑलमोस्ट 8 महीने बाद इस केस को क्रैक किया है और एक तरह से जो ब्लाइंड केस था उसको सॉल्व किया है। इसके अलावा जो दूसरा गुटबा 28/12/2021 को एक कंप्लेंट में मिली कि बाल देवी में जाते वक्त साइली सिलवासा रोड पर 2 लोगों के साथ मारपीट करके उनका फ़ोन छीन लिया गया। इसमें जो हमारे कंप्लेंट थे उनका नाम है कल्पेश, एंड इसमें वो स्कूटी से जा रहे थे एंड वहाँ पे स्कूटी से 2 बंदे आए, उन्होंने उनको रोका, हाथ दिखाया, उनके साथ मारपीट करी और उनका मोबाइल फ़ोन छीन लिया वहीं पर। इमिडिएटली इसमें FIR रजिस्टर की गई और इसमें फिर से क्राइम ब्रांच इंचार्ज MS पटेल जी, LLTK जी और PSI सूरज रावत के अंदर टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई, एंड इसमें एफर्ट के बाद 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया। एक का नाम है गुलाब फरोदिया, 23 साल इनकी एज है, वसोना के रहने वाले हैं, और दूसरा का नाम है अजय रमन मंगल, 18 साल के हैं और सैली के रहने वाले हैं। इसमें हमें वो स्कूटी भी रिकवर कर ली जिससे रॉबरी की गई थी, और मोबाइल फ़ोन भी रिकवर कर लिया जो छीना गया था, और साथ ही साथ हमने 9 मोबाइल फ़ोन और रिकवर करे हैं इससे, जिनकी अभी इंक्वायरी चल रही है कि वो किस किस केस में इन्वॉल्व है। ये भी बहुत अच्छा गुड वर्क है जिसमें हमने एक स्कूटी भी रिकवर करी है और साथ में 10 मोबाइल फोन रिकवर करे हैं।